का ज्वाइन कर लिया जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकज रहनुमा हैं, चीफ विप भी हैं, मलिक आमिर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलिक साहब, हम दो तीन इश्यूज को डिस्कस कर चुके हैं और सबसे जो पहला इशू डिस्कस किया हमने नवाज शरीफ की सेहत का, वो जो एक तस्वीर सामने आई है, तारिक फजल साहब हमारे साथ हैं, इनसे तो मैं पूछ चुकी कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, लेकिन असल सवाल तो आपसे होना चाहिए कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि जमानत में तौसी देनी है मजीद के नहीं देनी, तो खाली बयानबाजी कर रहे हैं अपने वोटर्स को मुतमइन करने के लिए या कार्रवाई भी करेंगे उस दरखास्त पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि किसी भी बीमार की सेहत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और सबको बड़ी तशवीश हुई जब नवाज शरीफ साहब का यहाँ चला गया, जिनके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए हैं और उनकी सेहत बड़ी क्रिटिकल है और उनको फौरन यहाँ से बाहर जाना है, और उस पर काफी दिन बहस मुबाहिसा हुआ और बोर्ड बैठा और डॉक्टर अदनान ने भी हमेशा आके मीडिया को ये बताया था कि उनका जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब वो गए और उसके बाद जिस तरह से वो चहलकदमी कर रहे हैं, हैरिट स्टोर में भी वो गए हैं, MNS पे भी गए हैं और कल भी एक रेस्टोरेंट पे अजवे रोड पे बैठे वो लंच या डिनर कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख कर तो एक आम आदमी को बड़ी मायूसी हुई है कि इतने हाईएस्ट लेवल के लोग भी किस तरह झूठ बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को और हमारे जो पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो बोर्ड है, सर एक मिनट, मलिक आमिर डोगर साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ झूठ बोल के बाहर गए, मामू बना के बाहर गए? यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है। और आप देखिए ना, कौन सी बीमारी का इलाज है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, कर वो बैस छोड़े, कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी। अच्छा एक मिनट, लेकिन फिर यही यास्मीन राशिद साहिबा थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मलिक साहब यही यास्मीन राशिद साहिबा थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी वाकई नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा कि मैंने शौकत खानम के डॉक्टर को भेज के चेक करवाया, तबीयत वाकई खराब है, लेकिन आज आप लोग गवर्नमेंट कह रही है कि नवाज शरीफ ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मामू बना के चले गए। देखिए मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और फिर जब एक वो एग्रीमेंट करके गए हैं तब उनको वापस आ जाना चाहिए। अब शॉपिंग भी हो गई, लंदन की सैर भी हो गई, हैरिट्स पर उन्होंने बैठ के कॉफी शॉप पे फोर्थ फ्लोर पे कॉफी भी पी ली, अजमेर रोड के जो उनके मशहूर फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं मैं भी वहाँ जाता रहता हूँ, मुझे भी पता चला कि वहाँ उन्होंने खाने भी खा लिए, डिनर भी कर लिए, तो अब सर्दियों की विंटर की शॉपिंग भी कर लिए, वापस आ गए। अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गए, मामू बना के गए, लेकिन तस्दीक तो बीमारी की खुद गवर्नमेंट ने की, तो ऐसा ही लग रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ इस मुल्क में कानून तो जी ताकतवर लोगों के लिए है, तस्दीक तो गवर्नमेंट वालों ने खुद की ना बीमारी की नवाज शरीफ। मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत इसमें एम्बेरस हुई है, एक आम आदमी के लिए जो बेचारा जेलों में सड़ रहा है, मर रहा है, और जिसके ना केसों की सुनवाई हो रही है, और जो बीमार है उनको, उन बीमार लोगों को जेल के उन अस्पतालों में फेंक दिया जाता है जिसके डिस्पेंसरी जिसमें एक स्प्रीन या पैनाडोल भी नहीं मिलती। ओवरऑल तो अलमिया हमारी सोसाइटी का, इसमें कोई एक बंदे का कसूर नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ।